15th of October, Friday, 12:45 PM, और हैप्पी दशहरा एवरी वन. सो टुडे इज़ द डे आई एम फाइनली लीविंग फॉर मुंबई. जाने का मन नहीं करा, बट आई हैव टू गो. एंड अहमदाबाद तो आना जाना रहता है, एज यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अहमदाबाद इज़ माई सेकेंड होम. ये एक हफ्ते इतना जल्दी चले गया, पता ही नहीं चला. एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट अहमदाबाद इन दिस वन वीक इज the store HUFT. As I told you, my brother is the owner of that store, and I am really proud of my brother Sumit, and I like the way he manages the store, the way he communicates with the customer, the good relationship he has with the customer. I really, you know, look up to him. Like, he's one of my favorite cousin brother, and I'm gonna really miss him and my cousin sister as well. And next time जब हम आने वाले हैं, I'm going to make a food tour vlog. So basically Ahmedabad is known for its good food, and I also have a camera man in Ahmedabad. So next time camera मेरे हाथ में नहीं होने वाला, किसी और के हाथ में होने वाला है. I'm basically going to speak and the cameraman is going to record. So next time एक proper plan बना के आएंगे. And yeah, if you are in Ahmedabad and if you have a pet, so make sure you visit Huft in Ahmedabad. Mumbai में भी है, but if you know any of your friend who has a pet and lives in Ahmedabad, so can visit that store. So अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, bag is packed. And अभी फ़िलहाल फ़ोन चार्ज पे रखा है, ये मेरा GoPro है और ये मेरा लैपटॉप है. फ़ोन पे ब्लॉग करने वाला हूँ, या बिकॉज फ़ोन में अभी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी है, लाइक 50 GB. उस दिन लाइक अहमदाबाद के लिए निकलने के पहले ही मैंने सारा बैकअप ले लिया. आई विल टॉक टू यू ऑल वंस आई एम इन द कार. सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, और मैंने बुक किया है ऊबर, और सारे बैग्स पीछे भी आ गए हैं. हेलो ट्रैवल बडी. हेलो. तो अहमदाबाद स्टेशन पहुंच गए हैं, और तो हमने कुली भाई कराया है, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही है, C9. और ये मेरा फेवरेट ट्रेन है, शताब्दी. एंड मेरे पास एक बैग है, और हमें C9 में जाना है. सो लेट्स गो. तो बैग सारे रख दिए हैं अंदर, और ये है शताब्दी ट्रेन C9. अभी मैं शताब्दी ट्रेन आपको बताऊंगा तो नहीं, बिकॉज आपको ऑलरेडी YouTube पे मिल जाएगा, बट फिर भी आई शो यू. जैम पैक्ड है, कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई साइड. सो लेट्स गो. सो ये है हमारी ट्रेन, और हमारी सीट, हाँ ये रही हमारी सीट यहाँ पे है, कंफर्टेबल. सो ट्रेन 2:40 को निकलने वाली है, एंड वी हैव इनफ टाइम राइट नाउ. तो अभी बैठ के पता नहीं गप्पे हमारे, या तो फिर मैं तो मेरा मूवी देखने वाला हूँ. मेरे फ़ोन में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, बिकॉज ऑन द वे मेरा नेटवर्क नहीं चलने वाला है, तो इसके लिए मैंने डाउनलोड करके रख दिया है. 1 आवर मूवी देखूंगा, एंड बाकी का टाइम मे बी आई विल रीड अ बुक और आई विल गो टू स्लीप. सो या तो फिर सॉन्ग सुनूंगा, दैट्स इट. दिस इज माई फेवरेट ट्रेन. So last time also when I was traveling alone from Ahmedabad to Mumbai, I was traveling in this train only, and this is my favorite. So I always prefer traveling in this train. So exact 2:50 ko train start ho gayi, and we are leaving from Ahmedabad junction, and approximately like we'll reach at 9:30 लगभग, एंड विल गेट डाउन एट बोरीवली स्टेशन. तो एक और चीज़ आपको बतानी थी, एक्चुअली मेरा सीट बाजू में था, बट ये अंकल ने मेरे को विंडो सीट दिया, बिकॉज मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था, तो उनको आइडिया आ गया था कि आई एम शूटिंग अ वीडियो, तो उन्होंने दिया. सो यू आर सो काइंड कि उन्होंने दे भी दिया सीट, थैंक यू अंकल. और इनसे अभी मैंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करा दिया है, या दिस वन. तो यूट्यूबर बनने का यही फ़ायदा है, लाइक लोग पूछते भी हैं आपका चैनल का नाम क्या है, एंड ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं. सो या नाउ लेट्स एंजॉय द रेस्ट ऑफ द जर्नी. सो
तो हमारे बिल्डिंग में लाइक मैं सबसे पहले तो घर पे पहुंच गया हूँ बिल्डिंग में, और सबसे पहले तो कुल्फ़ी खा रहा हूँ। यहाँ पे दशहरा का प्रोग्राम है एंड आई एम हैविंग कुल्फ़ी। वाह, कितने साल के बाद कुल्फ़ी खा रहा हूँ। एंड अभी थोड़ी देर के बाद हम हाउसी खेलने वाले, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है।